नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। यूपी के बांदा में अरतरा कस्बे चौराहे पर लगी गांधी प्रतिमा शनिवार की सुबह टूटी पाई गई। इसमें गांधी जी के दोनों पैर टूटे हुए थे और प्रतिमा एक तरफ पड़ी हुई थी। घटना से आक्रोशित कांग्रेसियों ने नेशनल हाईवे पर धरना देकर कार्यवाही की मांग की। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। साथ ही धरना दे रहे कांग्रेस जन कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन प्रशासन का मानना है कि मूर्ति किसी शरारती तत्व ने नहीं तोड़ी, बल्कि ट्रक की टक्कर से टूटी है। दरअसल प्रशासन द्वारा जांच कराकर नई मूर्ति लगाने की बात कही जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि रात में ये घटना कब घटित हुई, जिसके बारे में सुबह लोगों को पता चला। हालांकि जिस जगह पर मूर्ति रखी हुई थी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मूर्ति के पैर टूटे पाए गए, जिससे प्रतिमा गिर गई। फिलहाल मूर्ति को ढककर प्रशासन ने सील कर दिया है। एसडीएम अरतरा सौरभ शुक्ला ने बताया कि सीसीटीवी वीडियो भी देखे जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में एक ट्रक चौराहे में खड़े दूसरी तरफ से मुड़ा, उसी की टक्कर से मूर्ति टूट गई और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर बांदा से संवाददाता अल्तमश हुसैन की है। ऐसे ही अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जन संदेश टाइम्स के साथ।